अस्सलाम वालेकुम हबीबी, चाहे आप सैयद हो, शेख हो, इमन हो या पठान, सबके लिए 1% पेमेंट प्लान। फिर चाहे आप बुजुर्ग हो या जवान, सबके लिए 1% पेमेंट प्लान 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे संपर्क करें। रेडी? मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिमंडी में 6 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। आरोपी ने बच्ची के शव को प्लास्टिक के बाल्टी में फेंक कर फरार हो गया है। मामला थाने से सटे भिमंडी शहर का है, जहां 6 साल की बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। इलाके में दुर्गंध फैलने के बाद एक कमरे की तलाशी के दौरान शव बंद कमरे में प्लास्टिक के बाल्टी में 6 साल की बच्ची का शव मिला है। और यह घटना भिवंडी शहर के फेने गांव इलाके में धापसी पाड़ा स्थित एक पेपर की दुकान में हुई है। और इस घटना के बाद पूरा इलाका डर के माहौल से गुजर रहा है। पुलिस सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बच्ची के माता पिता दोनों गोडाउन में काम करने जाते थे और बच्ची के माता पिता 13 सितंबर को भी रोजाना की तरह गोदाम में काम करने गए हुए थे। घर पर सिर्फ 6 साल की बच्ची के साथ उसका 9 साल का बड़ा भाई मौजूद था और बच्ची सुबह से ही लापता हो गई। शाम को जब माता पिता घर वापस आए तो उसके बाद बड़े बेटे ने बताया कि बहन सुबह से ही गायब है। इसके बाद माता पिता ने इलाके में खोजना शुरू कर दिया और देर रात भिवंडी शहर पुलिस थाने पहुंचकर लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई। चूंकि लड़की नाबालिग, पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर तलाशी अभियान शुरू कर दी। छानबीन के दौरान पुलिस को पास के वरहाला झील में भी तलाशी अभियान शुरू करना पड़ा और तलाशी के दौरान लड़की वहां भी नहीं मिली। भिवंडी सिटी पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने थानेदार चेतन काकड़े और पुलिस टीम मौके पर दाखिल हुई। जब उन्होंने इलाके में खोजबीन शुरू किया तो पता चला कि लड़की का शव एक बंद चाली कमरे में प्लास्टिक की बाल्टी में रखा हुआ था। पुलिस ने तुरंत शव को परीक्षण के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है मुंबई के जेजे अस्पताल में। और परिजनों की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उपायुक्त नवनाथ के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के निष्कर्षों के मुताबिक अपराध की सीमा बढ़ सकती है। धावले ने घटनास्थल का दौरा किया और बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम भी रवाना की गई है। इस पूरे मामले को लेकर नवनाथ धावले, भिमंडी पुलिस उपायुक्त ने क्या जानकारी दी है, आपको सुना दें। दिनांक 14 तारखेला भिवंडी शहर पुलिस स्टेशनला एक 6 वर्षाची मुलगी मिसिंग झालेली आहे। या अनुषंगाने तक्रार प्राप्त झाली होती, त्यानुसार कलम 363 नुसार भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला। त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर 6 वर्षाची मुलगी असल्यामुळं तात्काळ आपण 3 तपास पथकं तयार करण्यात आली होती आणि आजूबाजूच्या परिसरामध्ये नातेवाईकांकडं पूर्ण आजूबाजूलाच तलाव आहे त्या ठिकाणी आपण तिचा शोध घेत होतो। आणि आज साधारण दुपारच्या दरम्यान ती जी राहत आहे त्या ठिकाणापासूनच काही अंतरावरती एका बंद खोलीमध्ये त्या मुलीचा मृतदेह मिळून आलेला आहे। सदरचा मृतदेह हा पोस्टमॉर्टमसाठी जे हॉस्पिटल या ठिकाणी पाठवण्यात आलेला आहे। या सदर अनुषंगानं पोलीस पुढील तपास करत आहेत। एका बंद खोलीमध्ये जी बकेट आहे त्या बकेटमध्ये तो मृतदेह मिळून आलेला आहे। त्या अनुषंगानं आम्ही सर्व अँगलने तपास करत आहोत। सध्या जे नातेवाईक आहेत त्याच्या मुलीचे आई वडील आहेत त्यांच्या तक्रारीवरनं कलम 302 प्रमाणे आम्ही गुन्हा दाखल करत आहोत।